समझ ले पहलवानों फसगा गलत हो जाए, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल जा। ये पेड़ वर्कर है साला बीजेपी का, कितने बार कह रहे थे कोई मंदिर में सिर्फ की बात नहीं कर रहा, झूठा अपना आप बना रहे बातों को, पीछे पेड़ वर्कर निकालो। तू पहलवान है क्या? बाबूजी मैं पहलवान खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, इनके प्रोटेस्ट में आया हूं मैं तो। तू निकल जाए, ऐसे हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी। ये मेरे यार, ये चोर आदमी निकालो यार। अच्छा मैं चोर आदमी हूं भाई साहब, क्या बात है जी, बाजी वाह बाजी वाह, सबको अपनी बात कहना है। कौन हो आप लोग, कहां से आए हो आप लोग? पत्रकार सरकार कौन चला रही है आपको? पत्रकार साहब ये नहीं पता, तुम आपने माइक कैसे पकड़ लिया? नाम लो ना, तुम नाम लो। भाजपा सरकार है, भाजपा है, भाजपा की सरकार कौन चला रही है? कौन चला रही है? भाजपा चला रही है। प्रधानमंत्री कौन है भाई? मोदी जी। आपको ये नहीं पता तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? कार्रवाई किसको करनी है? कार्रवाई सरकार करेगी। इसके 1200 से हमको पूरे हो जाएंगे, इसके 1200 पूरे हो जाएंगे। भाई साहब गलत बात कह रहे हैं, इतना ये सब माइकों का चाहिए। अब मेरी बात सुन लो जी, इसके 1200 पूरे होने वाले हैं। तो ये लोग आरएसएस चला रही है सरकार, और मोदी को भी आरएसएस चला रही है। मैं इसको जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पेड़ वर्कर आप लोग, गुंडा हक चोर है वो, ये बोल गुंडा हक चोर है, गुंडा हक चोर है। मैं रहता हूँ फरीदाबाद में, रहता हूँ पल्ला सैदपुर के अंदर में, ठीक है। विजय मेरा नाम है भाई साहब, पहले जानकर पूछ लो भाई, विजय यहाँ खड़ा है बता देंगे। पेड़ वर्कर कह रहे हैं, पेड़ वर्कर कह रहे बार बार भाई साहब को। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, लेकिन मुझे पेड़ वर्कर कह रहे हैं। मैंने एक बात बोली है, यहाँ पर पहलवानों की बात होनी चाहिए, हमारे देश के गौरव की बात होनी चाहिए। कौन हो आप लोग, कहाँ से आए हो आप लोग? पत्रकार नेशनल दस्तक वाले जब भी कोई भी रिपोर्ट वो चलाएगा कुछ और। अरे ब्रजभूषण रुक जा एक मिनट, बस लो 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 बात कर रहे हैं। अरे ब्रजभूषण पर क्या गुंडा, ब्रजभूषण मैंने कुछ और बात मुद्दा खिला रहे हैं। क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और हमारे पहलवानों की सरकार करेगी। सरकार मैं देश का जस्टिस, देश का कानून करेगा। कौन चला रहा है सरकार? सरकार कौन चला रही है आपको? पत्रकार साहब ये नहीं पता तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? नाम लो ना, तुम नाम लो। अरे भाजपा सरकार है, भाजपा है जी। भाजपा की सरकार कौन चला रही है? कौन चला रही है? भाजपा चला रही है। प्रधानमंत्री कौन है भाई? मोदी जी। आपको ये नहीं पता तो आपने माइक कैसे पकड़ लिया? करनी है कार्रवाई, किसको करनी है कार्रवाई? सरकार करेगी। इसके 1200 से हमको पूरे हो जाएंगे, इसके 1200 पूरे हो जाएंगे। भाई साहब गलत बात कह रहे हैं, इतना ये सब माइकों का चाहिए। अब मेरी बात सुन लो जी, इसके 1200 पूरे होने वाले हैं। थोड़ी देर में आरएसएस चला रही है सरकार, और मोदी को भी आरएसएस चला रही है। मैं इसको जवाब दे दूंगा, आरएसएस चला रही है, मोदी को भी। सुन ले मेरी बात, मेरी बात गलत, सुन मेरी बात, मेरी बात मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। सुरोत्ता बने, सुरोत्ता भाई साहब वक्ता बन दिया, वक्ता बन दिया ना, सुरोत्ता बनी तू। सुन देख, मैं दूंगा तेरे जवाब भाई साहब, एक मिनट, इसको मैं दूंगा जवाब। नरेंद्र मोदी को चला रहा मोहन भागवत, ठीक है भाई? मोहन भागवत के सरेआम नरेंद्र मोदी ने पैर पकड़े थे, नहीं पकड़े? प्रधानमंत्री मोहन भागवत के पैर पकड़े, पहले मैं बताता हूँ सारी बात, ठीक है? चलो हो गया भाई, मेरी बात सुन। सुरक्षा भी बढ़ना सी हो गए हैं, 72 घंटे हो गए हैं, 200 कैमरा लगा है, 3 किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री ऑफिस की। सवाल जनता के लिए भाई, सवाल जनता के लिए। दोनों वीडियो यहीं दिखा दूंगा, यहीं सिद्ध कर दूंगा मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है, देखने वाले दम रखें। अच्छा मैं वीडियो दिखाऊंगा मैंने क्या बोला था और इन्होंने क्या चलाया। आपको क्या कहा जा रहा है? नहीं कुछ नहीं यार, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो भाई? कौन कर रहा है यार? पहलवानों की बात हो रही है, किसी का बच्चा मर गया, वहां तुम चले जाओ, तुम वहां पर मंदिर मस्जिद करोगे? यार गलत बात है यार ना। अंकल जी पेड़ नहीं, ना पेड़ नहीं, तेरी हमदर्दी की हमने जरूरत ना, तू पहलवानों से आता ना, तेरी हमदर्दी की। मैं फरीदाबाद से हूं जी, निकल जा। मैं फरीदाबाद पल्ला से, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, निकल जा। चलो ठीक है, ठीक है, समझ ले पहलवानों फसगा गलत हो जाए, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल जा। ये पेड़ वर्कर है साला बीजेपी का, कितने बार कह रहे थे कोई मंदिर में सिर्फ की बात नहीं कर रहा, झूठा अपना आप बना रहे बातों को, पीछे पेड़ वर्कर निकालो। तू पहलवान है क्या? बाबूजी मैं पहलवान, खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, इनके प्रोटेस्ट में आया हूं मैं तो। तू निकल जाए, ऐसे हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी। ये मेरे यार, ये चोर आदमी निकालो यार। अच्छा मैं चोर आदमी हूं भाई साहब, क्या बात है जी, बाजी वाह बाजी वाह, सबको अपनी बात कहने का ना जी ना, ऐसे बात मैं लगा दूंगा, ला कैमरा लाओ, मैं ले चुका हूं पहले। अब आप थोड़ी देर पहले, ये भी थोड़ी देर पहले मंदिर मस्जिद, मैंने अपन सतो से पूछा है, वे कहते हैं जब भी यहाँ कोई मुद्दा होता है किसान का और कोई, 2 साल से यही भोगता रहता है। अभी भी नहीं बताओ ये कौन सा लेकर है हमने कहा। अच्छा बाबूजी तुम्हारे लकड़ जा, ऐसे दिमाग खराब कर यार, ऐसी बात यार,
कोई हाथ साफ कर जा भाई, चलो चार जगह जाओ, ये अलग ही एजेंडे के साथ है, बता दे जा तू, और शंभू रोड़ा करवाओ, शंभू रोड़ा करवाऊंगा, वो भी सुना रखा है, भेज रखा है, पाड़ा ये खिलाड़ी की जब पार्टी के खिलाफ थोड़ी है, ये न्याय मांगने आ रहे हैं, किसी पहलवान का जवाब तो न्याय की मांग है, और ये उधर गाड़ी पे भेज रखा है भाई, जा करो देखो खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो खेल फेडरेशन है, कुछ फेडरेशन उसको चेंज करने की बात हो रही है या नहीं, तो हम कहाँ करें मोदी जी को हटा लोगे यार, अजीब बात है, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फेडरेशन अध्यक्ष को हटाएगा कौन, हमें मत सिखाओ यार, हम अपने लाल हमको हटाना होगा, हटा दूंगा, चलो कोई नहीं। आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि लोकतंत्र? ऐसा बिल्कुल लग रहा है जी, 2014 के बाद अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये, और पूरा मीडिया प्रेशर में है, जब सुप्रीम कोर्ट के चार चार जज बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है बचाएं, जनता से अपील करते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे स्तंभ थे सभी पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, मोदी जी के हाथ में भी शायद अब कुछ रहा नहीं, सब जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान थे सब हाईजैक हो चुके हैं, और अब लोकतंत्र खतरे में है, सर बचाएं, सभी की जिम्मेदारी है, संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, ऐसा 8 साल है। आप देखो ना कि मीडिया अपना काम कर रही है, बेटियों का बेटियों के साथ क्या हाल किया है, और जितने रेपिस्ट हैं सारे के सारे बीजेपी को ही क्यों अच्छे लगते हैं, उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं, क्यों नहीं एक्शन लेने देते, कुलदीप सेंगर को देख लो, वो चिन्मयानंद को देख लो, वो तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो सर बचाइए लोकतंत्र को, और संविधान दोनों खतरे में है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मीडिया अच्छा भी काम कर रहा है, कुछ मीडिया गोदी मीडिया भी बना हुआ है, ठीक है जी, वैसी से ज़्यादा हो तो हम अचीवमेंट है वो बताने को रेडी हो जाएगा, तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने